Good morning, class 6 students. We are on chapter number 2, the earliest people, and we have discussed the stone age in this class, and we have also discussed understanding stone age's sites and also discovery of fire. And in this class we are going to start a new topic, which is rock painting. Painting kya hoti hai? Humne apne haathon se koi ek surface par apne jo man mein jo thoughts hain unko portray कर दिया, तो वो क्या है? पेंटिंग है. बट पहले के ज़माने में ना तो हमारे पास पेपर हुआ करते थे, ना पेन, ना पेंसिल, ना ही पेंट, मतलब कलर्स हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास. तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं हमारी पेंटिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्टोन. और हम उसे किस पे पोर्ट्रेट कर रहे हैं? हम लोग केव्स के अंदर पोर्ट्रेट कर रहे हैं. तो वो क्या है? एक तरीके से हमारी रॉक पेंटिंग, मतलब पत्थर पर उकेरी गई हमारी पेंटिंग. नाउ जो पेंटिंग्स हैं वो कहाँ पर हैं? रॉक के, सॉरी, केव्स के अंदर हैं, गुफाओं के अंदर बनाई गई हैं. केव और रॉक पेंटिंग आर पेंटिंग डिपिक्टेड ऑन वॉल्स ऑफ रॉक्स और केव. केव पेंटिंग वो होती हैं जो कि वॉल्स पर बनाई गई हैं. किसके वॉल पर? किसी पत्थर पर, सॉरी, किसी पत्थर पर या फिर किसी गुफा के अंदर बनाई गई पेंटिंग्स को हम क्या बोलें? रॉक और केव पेंटिंग. नाउ द रॉक पेंटिंग बिलोंग टू वेरियस पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक टू द न्यूलिथिक पीरियड. अब यहाँ पर टाइम पीरियड भी हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि कौन कौन से टाइम पीरियड की वो हो सकती है. अपर पैलियोलिथिक से लेकर न्यूलिथिक पीरियड तक, मतलब तीनों पीरियड हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर ली हैं. द सीन जनरली डिपिक्ट, अब सीन किस तरीके से डिपिक्ट, मतलब क्या दिखाया जाता है उसमें? तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है हंटिंग दिखाई जा रही है, मतलब शिकार दिखाया जा रहा है. मैं आपको दिखा देती हूँ एक पिक्चर, यहाँ देखिए. इसमें हंटिंग दिखाई जा रही है क्लियर एक तरीके से पेंटिंग के जरिए. एंड यहाँ पर डांसिंग दिखाई जाती है एंड एनिमल फाइट्स दिखाई जाती है, मतलब जानवर लड़ रहे हैं. ये देखिए इस तरीके की कुछ पेंटिंग्स मिली हैं प्रूफ के, प्रूफ जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है. नाउ द कलर्स यूज आर मेनली रेड एंड वाइट विद ओकेजनल यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो. देखिए यहाँ पर रेड कलर यूज़ किया जा रहा है. रेड एंड वाइट दो ही तरीके के कलर्स यूज़ कर पा रहे थे लोग, क्योंकि कलर्स कहाँ बन पाए थे उस टाइम पर, दैट्स वाई. Now rock painting have been found near the river of rocks and cave. The style of painting suggests it would be 20,000 to 30,000 years ago. तो हमें इनकी स्टाइल देख के पता चलता है कि इतनी साल पुरानी है. नालदा गरादरा गोलपुर रॉक पेंटिंग साइट्स आर द बेस्ट साइट डिस्कवर सो फार. ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अभी भी पेंटिंग्स डिपिक्टेड हैं. रॉक पेंटिंग साइट्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन रूरल एरियाज ऑफ बूंदी. राजस्थान में बूंदी है, तो वहाँ पर भी आपको रॉक पेंटिंग्स के कुछ प्रूफ देखने को मिलेंगे. बट द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर वन इज लोकेटेड इन विंध्य हिल्स भीम बेटका इन मध्य प्रदेश. ये जो भीम बेटका है इसका नाम बहुत ज़्यादा जगह आता है, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ पर बहुत ही हम लोग मैग्निफिशेंट, मतलब बहुत ही सुंदर कलाकारी देखेंगे जो कि अर्ली मैन ने पेंटिंग्स में किए हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर भी लिस्टेड है. यू कैन सी दैट द पेंटिंग्स वर डन प्राइमरीली विद अ फिंगर और विद जस्ट टू और थ्री स्ट्रोक्स. ऐसा नहीं है कि भाई हम पिकासो की तरह पेंटिंग बना रहे, सारी फैसिलिटीज़ है, बिल्कुल नहीं. हमारे कुछ स्ट्रोक्स में ही हम लोग पेंटिंग्स, मतलब ये अर्ली मैन पेंटिंग्स बना रहे थे, और बहुत ही बेसिक था उनका पेंटिंग बनाना. Historians suggest that prehistoric man must have also used feathers, wooden sticks and needles of porcupines of different styles and textures. So, उन्होंने feathers, मतलब पंखों का भी use किया है, wooden sticks का भी use किया, मतलब अपनी जो कलाकारी है उसको better तरीके से दिखाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी. The paintings depict child running, क्या क्या दिखा रही है? बच्चे दौड़ रहे हैं, jump कर रहे हैं, प्ले कर रहे, खेल रहे हैं. सीन्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन सीम्स टू शो अ शॉट ऑफ फैमिली टाइप. अगर कोई फैमिली, मतलब कुछ लोग हैं, तो वो क्या डिपिक्ट कर रही है? वो शो कर रही है फैमिली है, एक बच्चे हैं, मैन है, वुमेन है, मतलब वो लोग गैदरिंग करके रह रहे हैं. जिस तरीके की लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं ना, उसी को दिखाने की कोशिश करते थे अर्ली मैन विद द फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ देयर पेंटिंग्स. Some paintings even show scenes of people gathering food or honey from trees and
वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड. अब वो कुछ पेंटिंग, मतलब जो अभी अवेलेबल तो नहीं थी वरना मैं यहाँ पर डाल दी थी. सो कुछ पेंटिंग्स में हमें इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो मैन है वो बाहर जाके फ्रूट्स को गैदर, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, हनी इकट्ठा कर रहे हैं. जो औरतें हैं वो घर में खाना बना रही हैं. तो वही क्या बात है, अपनी लाइफ स्टाइल को वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं. वन ऑफ द अमेजिंग पेंटिंग्स अबाउट सम पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, यहाँ पर भीमबेटका वाली दोबारा बात आ रही है. एंड भीमबेटका इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. भीमबेटका इज दैट ऑफ मेनी 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग हैव बीन पेंटेड वन ऑफ द टॉप ऑफ अदर. द हंटिंग सीन्स मस्ट हैव बीन कनेक्टेड विद सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स इन होप दैट इट वुड बी लेड अ सक्सेसफुल हंट. अब हम बात करेंगे इनके रिलीजियस बिलीव्स की. रिलीजियस बिलीव मतलब इनकी आस्था किस किस के अंदर थी. ओके, सो इट सीम्स द अर्ली पीपल हैड नो सिस्टमैटिक और स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ. कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि हम इन भगवान की पूजा करेंगे, इनमें मेरी आस्था रहेगी, क्यों रहेगी, या फिर क्या मेरे रीजंस है. ऐसा कोई स्पेसिफिक, कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं था उनके रिलीजियस बिलीफ का. बट दे वर्शिप वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर, मतलब वो नेचर को मानते थे, प्रकृति को मानते थे. उनके लिए सबसे ऊपर कौन है, प्रकृति है, नेचर है. नाउ वो किसको वर्शिप कर रहे हैं, सन को वर्शिप कर रहे हैं, मून को, स्टार को, एज वेल एज सम वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो. मतलब सन, सूर्य देवता हम बोलते हैं ना, चंद्र देवता हम बोलते हैं, अब स्टार देवता तो बोलते नहीं, तो हम लोग आज भी इनकी पूजा तो करते हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है. तो वो लोग नेचर की पूजा करते थे. एंड वो बहुत डरते थे, किससे डरते थे, अफ्रेड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग एंड टुक देम एज एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर. जब बिजली कड़क रही है, हमारे लिए तो पता है क्या प्रोसेस है बिजली कड़कने का, पर उनके लिए क्या था कि मतलब उनके देवता नाराज हो गए, ये गुस्से का प्रतीक है. तो वो लोग इन सब चीज़ों से डरते थे एक तरीके से. Probably they also worshipped their ancestors and buried the dead with all the belongings to be used in the next world. तो वो एक तरीके से अपने जो ancestors हैं, मतलब जो अपने पूर्वज हैं, उनकी भी पूजा करते थे. और जब वो उनकी डेथ हो जाती थी, उनके साथ जो यूज़ में सामान लेते थे ना, वो भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था. They also believed in magical powers, charms and spells. मतलब काला जादू हम जैसे बोलते हैं ना, जादुई शक्तियाँ जैसे बोलते हैं, उनमें भी वो बिलीव करते थे. नाउ बाय दिस क्लास वी हैव कम्प्लीटेड अ चैप्टर नंबर 2. सो वी हैव डन इन दिस क्लास 2 पॉइंट्स, रॉक पेंटिंग्स एंड रिलीजियस बिलीफ. हम लोगों ने रॉक पेंटिंग में ये देखा किस तरीके की पेंटिंग्स बनाए हैं, अपने जो वातावरण है वो जिस तरीके से रहते हैं उसको उन लोगों ने डिपेक्ट किया है. एंड रेड एंड वाइट कलर का ज़्यादा मोस्टली प्रोबेबली उन्होंने यूज़ किया है. और हम लोगों ने इस पॉइंट के साथ ही रिलीजियस बिलीव्स भी देखे हैं कि किस किस को वो लोग मानते थे, किससे डरते थे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू.